दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम के अंदर काफ़ी बार ऐसे फोटोज़ ज़रूर देखे होंगे जिसमें एक फ़ोटो होता है और उस पर जो ऑब्जेक्ट्स होता है ना, वो मूव करता रहता है, मतलब वो एनिमेट करता है। तो क्या आपको पता है कि ऐसे फ़ोटोज़ आप कैसे अपने फ़ोटो के ऊपर बना सकते हो? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये सीखने में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को नीचे जाकर आप लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टा पर भी जाके फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सालूप। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इस ऐप को ओपन करो। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ क्या क्या करना पड़ता है। आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिखा रहा है। पहले यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करने को बोल रहा है, पाथ को अगर आप डाउनलोड करोगे ऐसे ऐसे ड्रैग करोगे और प्ले करोगे तो देखो ऐसे आपका फोटो एनिमेट होगा, कितना अमेजिंग है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे एंकर। एंकर को मतलब अगर आपका कोई हिस्सा ज़्यादा आ रहा है, जैसे इस हिस्से को मैं नहीं चाहता, वैसे ये जो एंकर है, एंकर पॉइंट को आप लगा के उसको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ही पूरा मतलब ये यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे फ्रीज यूज़ कर सकते हो। और एक है लास्ट ओवरले, जिसके ऊपर आप कुछ इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। चलो इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसे चार्जेस दिखाएगा जहाँ पे आपको मान लिया अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ऐसा कुछ बोल रहा है। आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे क्रॉस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो, इसको मैं अलाउ करता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक फ़ोटो जिसमें वाटरफॉल है, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वाटरफॉल है ये एनिमेट हो। तो एनिमेट करने के लिए जैसे आपने पहले सुना, यहाँ पे आपको एनिमेट आइकन के अंदर आना होगा, फिर आपको चूज़ करना होगा यहाँ पे पाथ। पाथ चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, जिससे यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे की ओर एक डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसे, कुछ और भी डायरेक्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ, यप, ठीक है। इसको मैं प्ले करता हूँ, यार बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो देखो आप यहाँ पे जो मॉडल है एंड जो बैकग्राउंड है वो भी इसके साथ ही साथ एनिमेट हो रहा है, तो इसको रोका कैसे जा सकता है। आप सिंपली एंकर पॉइंट पे चले आओ, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट डाल दो, यहाँ पे एक डालता हूँ और एक डालता हूँ मैं यहाँ पे इस पत्थर के पास में एक डालता हूँ, यहाँ पे एक डालता हूँ, इधर एक और एक यहाँ पे डाल देता हूँ, यार बहुत ही कमाल का लग रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो आपको स्पीड मिल जाएगा, स्पीड पे चले आओ। इसको आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, कम करोगे तो कम में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यही रखता हूँ। और अगर आपके मॉडल इस फ्रेम के मतलब बीचों में है तो आप यहाँ पे फ्रीज को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। और कुछ एक्स्ट्रा और इफेक्ट ये सब है, आपको बस यहाँ पे मेनली काम करना है पाथ और एंकर पॉइंट के ऊपर। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो फोटो होगा वो एनिमेटेड फोटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सेव कैसे कर सकते हो, ऊपर आप देखो ये जो आइकन है, इस आइकन के ऊपर आप एक बार क्लिक करो, फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन कितना सेट करना है। मैं यहाँ पे 6 सेकेंड ही रखता हूँ। और आपको ओरिजिनल एंड वीडियो में सेव करना है, क्वालिटी आप 180p करना, 2K 4K में आपको ब्रो प्रीमियम चार्जेस लगता है, उसको रहने दो अभी। आप यहाँ पे 1080p कर लेना और एक्सपोर्ट कर लेना। तो गाइज अभी आप देख सकते हो ये कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में, क्यों है ना। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये फोटो एडिटिंग का टिप पसंद आया होगा। फोटो एडिटिंग का ये जो टिप अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।